यहाँ पे चेक कर सकते हैं, पूरी तरह आज यात्रा रोक दी गई है गाइस। टायर पंचर हो गया यहाँ पे। चाय पी लो भाई चाय। हाँ हमारी किस्मत में लिखी हुई है भाई सब कुछ। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस कैसे हो? तो कल की बात मैं बताऊं गाइस, मैं भगवत के आया हूँ 27-28 किलोमीटर। जैसे बोलते हैं ना सोनप्रयाग गौरीकुंड, गौरीकुंड के बीच में जो रास्ता होता है सोनप्रयाग गौरीकुंड, मात्र 13 जीप से चलता है। जो रास्ते फंस गए थे, और वो भी नया नियम लागू है कि हम 5 बजे के बाद इधर नहीं आ सकते, ना इधर से कोई बंदा उधर जा सकता है। तो यही अगर आपने लास्ट ब्लॉग में देख ही लिया कि क्या क्या हुआ था, हम कैसे कैसे निकले गाइस। 5 किलोमीटर जो हम भाग गए ना, मात्र 15 से 20 मिनट में हमने ट्रैक कम्प्लीट करा है। और यहाँ पे भी ना सुबह से कंटिन्यू बारिश हो रहा है। तो आज हमें हरिद्वार निकलना था, बट हरिद्वार नहीं निकले। अभी तो बारिश कम हो गया है, बट टाइम आउट ऑफ टाइम हो गया। यहाँ पे बस लास्ट मिलता है 9 बजे तक, बट अभी 9:42 हो चुका है, तो इसीलिए नहीं निकल पाए। होप सो कि हम कल निकल जाए यहाँ से। तो गाइस हम इस होटल से चेकआउट कर रहे हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जाएंगे जहाँ से बस वगैरह मिलता है, तो कल के लिए आसान ही रहेगा। ये देखो हमारा कुछ ऐसा रूम था। ये बीप कर दूंगा ब्रो। ब्रो चप्पल का तुम्हारा? मेरे चप्पल उधर है प्रूफ के लिए। कहाँ? केदारनाथ में। केदारनाथ ढूंढने का था ना? ढूंढने सबके पैरों में चेक करना था तुम्हें। फिर वो तेरी बेइज्जती मारता, फिर वो कहता ऐसे ऐसे कहता, और दस होता मुझको मिला के। ये ओनली वीडियो बच्चे लोग के लिए। बच्चे लोग के लिए। यहाँ पे चेक कर सकते हैं, पूरी तरह आज यात्रा रोक दी गई है। यहाँ से आगे जाने नहीं दे रहे, जो उधर से आ रहे उनको तो आने देंगे, बट इधर से आगे नहीं जाने देंगे। और यहाँ देखो कितना क्राउड हो रहा है नीचे। एम्बुलेंस वगैरह दिखेगा और कुछ नहीं, एम्बुलेंस एक हो रहा है, एक इधर है, और ये ऊपर जो खाने पीने का सामान है अभी तक नहीं गया। बारिश और यहाँ कॉफी और पराठे। ओहो स्वाद आ गया। पुल्ले भाई पराठे? हाँ पराठा, अभी पराठा खा रहे हैं। अभी पोहा पोहा खाया अभी, आलू पराठा खा रहे हैं। आलू पराठा देखेगा फिर टेस्ट टेस्ट करके बताएगा। अच्छा है, चाय तो काफी तो बनी है। बच्चा लोगों के लिए पसंद आएगा? बच्चा लोग तो अभी स्कूल में गए हो सकते हैं। रात का आएगा बच्चा लोग। गाइस अभी हम वापस होटल की तरफ जाते हुए 4 घंटे वेटिंग के बाद कुछ भी नहीं मिला हमें। और देख रहे हो कितनी तेज बारिश हो रही है, पानी देख रहे हो अब मौसम। 4 घंटे से हम यहीं बैठे हुए कि जब बारिश खत्म होगा तो हम होटल पे जाएंगे, बट अब दोबारा होटल लेना पड़ा हमें। हरिद्वार नहीं जा रहे आज हम, हर कोई जादू बन के घूम रहा है। तो गाइस अगर केदारनाथ आ रहे हो तो मत आओ प्लीज अभी। अरे हाँ यार अबे इसको मार। गई 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 अभी भी घर में। तुम भी घर पहुंचे? वो इधर ही था, वो इतना दूर जा रहा है। इधर करना है अभी भी के पास। स्टॉप सुबह 6 बजे से बारिश हो रहा है, रात के 8 बज गए अभी तक बारिश हो रहा है, अभी तक हम निकले नहीं है। सुबह से होटल में सो रहे हैं, हल्की फुल्की बारिश हो रही है। अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो सारा चीज बंद है यहाँ पे, देखो सारी जिप्सी वगैरह लग हुई है। अगर एक दो जाता भी है तो आपसे एक्स्ट्रा पैसे लेगा। पनीर आ गया भाई, दाल फ्राई आ गया, सब अगर आप यहाँ आते तो गाइस यहाँ से खाना खाना। लोकेशन बताएगा बहुत अच्छा है। और ये बता दो सोनप्रयाग का जो पार्किंग एरिया है जस्ट उससे स्टार्टिंग में, ये स्टार्टिंग पे ही है, आप वहाँ पे आओ बहुत अच्छा खाना मिलता है। अभी हम लोग खाना खा रहे हैं, होटल में अच्छा खाना मिलता है। आप लोग आएगा इधर आएगा तो ये होटल विजिट करने का। सीतापुर से जैसे ही आते हो ना आप, एक रास्ता ही है, ये पार्किंग है यहाँ पे, और ये रहा रेस्टोरेंट। ये देखो यहाँ पे जो है ना, ये रहा गाइस यहाँ का खाना ना दिल्ली जैसे वाइब है, बिल्कुल रीजनेबल प्राइस है और बहुत सही खाना है यहाँ का। और भाई दिल खुश हो गया खाना खा के यार, उसने बढ़िया खाना है ना इसका। भाई खाना बहुत बढ़िया, अगर आप आते हो तो इसी होटल में आना और कहीं मत जाना। कहीं और जाओगे समझ लेना कि आपने पैसों में आग लगा दिया या पैसा आपने पानी में डाल। हम कम से कम 500 मीटर दूर से आए खाना खाने यहाँ पे, रैंडम ही था, बढ़िया है यहाँ का खाना। भाई खाना सच में बहुत अच्छा, खाना सही ना सच में, मुंह सूख गया तो मेरा खाना नहीं मिला, पर बढ़िया खाना था। हाँ, हाँ, 4 दिन यहाँ पे रुके, 4 दिन में सबसे बढ़िया खाना आज खाया, और ऐसा लग रहा है 4 दिन बाद हमने एक घर का खाना खाया। हाँ।
और एक बढ़िया खाना, एक नंबर खाना, एक नंबर ना, हाँ एक नंबर, कर्नाटक से भी बढ़िया खाना, हाँ बढ़िया खाना, दाल नहीं बोलेगा, दाल दाल पनीर बेस्ट है, नंबर वन। ओके भाई, जो भी खाया कॉफी, कॉफी किस तरह लग रही थी, कॉफी जो थी कॉफी तरह लग रही थी, आप पता नहीं क्या बना के दे रहे थे साले। गाइस 5:43 हुआ है और अभी हमने एग्जिट कर लिया बस के लिए, क्योंकि कल बस में हमें मिला नहीं था। और सबको गुड मॉर्निंग, चलो देखते हैं बस स्टॉप जाके, बारिश तो हो ही रही है, बस बस मिल जाए जैसे तैसे, यहाँ से निकल लें हरिद्वार के लिए। तो सोनप्रयाग से हरिद्वार जा रहे अभी हम, सबके सब निकल गए हमारे दोस्त। चलो भाई आने का, गाइस 5:55 का व्यू, ये देखो हम कैसे जा रहे हैं बस के लिए, शायद आगे से मिले बस हमें, और बारिश हो रही है गाइस। बस हम 6 बंदे बस के लिए जाने के लिए, बाकी प्राइवेट कार से जाने वाले हैं भाई, प्राइवेट कार वाले तो मांग रहे भाई 10,000-8,000 ऐसे। होप्सो बस यहाँ से मिले, तेरा बस स्टॉप। वापस बादल आते हुए, बारिश होगा, तेज होने वाला है भाई बारिश, नीचे आ गया बादल। अभी हम जा रहे हैं बस स्टैंड नीचे के साइड, ये चेक कर, बंदे बहुत हैं नीचे। आ जा भाई जल्दी आ जा। भाई सुबह का वेदर चेक करो, और यहाँ से बस जाने की टाइमिंग मैंने पता करी, अभी 6:13 हो रहा है, बट यहाँ से जो बस निकलेगा लास्ट 8 बजे तक का बस निकलता है। तो आप कोशिश करो तो उन पर जाकर नहीं, इधर के साथ जाके जो भी होटल वगैरह लेना है और यहाँ से निकलो। गाइस सफ़र शुरू करने से पहले कॉफ़ी पीते हैं। ये भाई कार भाई, हाँ भाई कॉफ़ी बढ़िया, चाय बंद सुबह सुबह होता है, जो सोपर के बंदे ना वो लाइटर की कहानी पहले से जानते हैं, हमने उसको दोबारा करा बट थोड़ा रिटेक किया हम लोगों ने। जब भी हम टूर पे जाते हैं एक नया कुत्ता मिलता है, जैसे जैसे भाई ये घनश्याम, इसका नाम घनश्याम है, हर वीडियो में घनश्याम होता है, घनश्याम। तो गाइस फाइनली हम हरिद्वार के लिए निकल चुके हैं, खुश है ना तू? इतना ज्यादा खुश है, ऐसे देख रहे हो? एक और करते हैं गाइस, एक बार फिर से करेंगे हम। बड़ा यूट्यूबर है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बच्चा लोग को ज्यादा दिखाइए। इसके टोटल 9 लाइक होते हैं, मेरा पकड़ के 10 होते हैं भाई। इधर इधर इधर, हाँ भाई कुछ बोलने का, खाना नहीं खाते तो दे देते ना मम्मी पापा। रात को बच्चा लोग ज्यादा फोन चलाने का, अभी ये बंदा को सुबह ज्यादा लाइक नहीं मिलते, रात को ज्यादा लाइक मिलते हैं, बच्चा लोग खाना नहीं खाता इसलिए मोबाइल देते हैं, इसलिए लाइक मिलते हैं। ये केवी यूट्यूबर होता, इसके लिए कुछ कहता? मेरे लिए कुछ ना कहता भाई, तो छोटा मोटा यूट्यूबर होता। Welcome to my party, we're just getting started, a life is a dream or a nightmare scarring, hand me a drink cause I think I'm going on. Guys, टायर पंचर हो गया यहाँ पे। हाँ यार, चाय पी लो भाई चाय। हाँ टायर पंचर होने वाला था, हमारी किस्मत में लिखी हुई है भाई सब कुछ। गाइस अभी हमारे बस के टायर पंचर हो गया, पता नहीं कितना टाइम लगेगा अभी ठीक होने में। ये देखो टायर पंचर हो गया, शुक्र मानो सही जगह पे टायर पंचर हुआ, बट अभी चेंज कर इनके पास है एक्स्ट्रा टायर, जब तक हम यहाँ से कॉफ़ी वगैरह कुछ पी ले। और यहाँ के कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ, अगर आप सोनप्रयाग से नीचे के साइड आ रहे हो हरिद्वार, तो आपको हरिद्वार आते समय अगर आप एक जने पे हो ना, तब भी ये बस वाले लेके आएंगे, मना नहीं कर सकते, यहाँ पर रूल है। अगर बाई चांस इन ना कर देंगे तो इनकी ना 10 बस को रोक दिया जाता है 10 दिनों तक। तो आप जब भी आते हो सोनप्रयाग से तो आ जाओ, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ से ये मना कर देंगे कि भाई नहीं ले जाएंगे एक दो, और बस लास्ट 9 बजे तक चलते हैं यहाँ से, लास्ट 9 बजे तक सोनप्रयाग से नीचे हरिद्वार के लिए। गाइस पता नहीं कब तक बस ठीक होगा, ये देखो गाइस खराब हो गया। और एक और चीज़ बताना था गाइस, अगर आपको वहाँ पे सोनप्रयाग में कोई भी कुछ बोलते हैं कि लोकल होते हैं ना, पूछोगे आप बस कब तक जाते हैं, तो कहेंगे पता नहीं 5 बजे जाते 6 बजे, वो लोग ना झूठ बोलते हैं कमाने के लिए थोड़ा सा। ये हमने बस वालों से पता करा है, बैठे बैठे सारी चीज़ें पूछी मैंने,
ये लोग मना करते हैं कि नहीं 5 बजे 6 बजे, बट बस ना लास्ट 9 बजे तक चलता है। अब मात्र इस बस में 6 से 8 जने हैं, बस वाले लेके जा रहे हैं हरिद्वार। ऐसा नहीं है कि भाई बस फुल होगा, जब तक इनकी टाइमिंग होती है जाने की। कुछ खा रहे हो? नहीं कुछ खा नहीं रहे, बस टॉफी लिए हमने ताकि गाइस। तो बस रुकी थी बीच में, आलू के पराठे, दही, राजमा और चटनी, खाना खा रहे। मात्र 20 मिनट के लिए रुकता है, ये आ गया। ले भाई कैच कर, खा ले जल्दी। अभी भी लाइटर का मतलब जानती? नहीं मेरे को मालूम नहीं। लाइटर का अब कहाँ जाते हैं? यहाँ से हम लोग इधर से सीधा आ जाओ तो दिल्ली, दिल्ली तो कर्नाटक। आप आ जाओ एक बार, आते हैं। यूएस पोलो एक बार बोलो, यूएस पोलो, यूएस पोलो, ये आपका सब्सक्राइबर है ना, उसको भी एक बार बोलो आने के लिए। अच्छा अच्छा सर। अभी भी बोलता है कि कर्नाटक जाने का, तो जाने का सबको, और वहाँ पे मच्छी फ्राई खिलाएगा सब, बहुत सारी वैरायटी मच्छी, अलग अलग, इतना बोल देगा पता भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा कभी। बोल फिरा देगा कि उसको भी नहीं पता है क्या बोल। चलो रात के बच्चे लोग कर्नाटक के देख रहे हैं, उनको बताइए क्या। हाँ बच्चा लोग ओनली देखिए, बच्चा लोग के लिए ये वीडियो है। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, कमेंट जरूर करिए, जल्दी करेगा तो मुश्किल नहीं। हम खाना वाना खा लिया, अब जा रहे हरिद्वार। हरिद्वार अब रुकेगा लास्ट, फिर वहाँ मिलते हैं। अभी भी को विदा भी करना है गाइस। ये देखो जो पानी दिख रहा है ना मिट्टी वाला, आगे कहीं पत्थर गिरा है। 2-3 किलोमीटर तक ट्रैफिक लग गया और बस काफी देर, 2:17 हो गया अभी तक हमें हरिद्वार पहुंच जाना था, आधे घंटे तक, आधे एक घंटे तक खड़े हैं इधर, पत्थर पहाड़ गिर गए हैं बाहर, किस्मत ही खराब है भाई। जाते जाते भी पूरा रास्ता ब्लॉक है, 2-3 किलोमीटर तक तो हो गई, देखो देख लो। कहाँ घूम रहा भाई? भाई मैं देखने गया था ये रास्ता क्यों बंद हो गया, रुके क्यों नहीं आ रहे? क्यों बंद है? पत्थर गिर रहे हैं भाई, बहुत सारे, बहुत सारे। अच्छी बात है कि यहाँ रुके हो, वहाँ रुके होते तो भाग गए होते, बस छोड़ के सब लोग पीछे। हाँ सारे बंदे इधर आके खड़े हैं बाहर, गिर रहे लगातार। और क्या, इस वाले कट पे नहीं, आगे वाले कट पे जाके गिर रहे, वहाँ से देख के आया तो। और क्या, इसके भी डर डर सही में, आज अंदर बैठ जा। आ रहा है भाई, पत्थर इतनी रफ्तारों छोटे छोटे गिर रहे हैं, वापस आ गया। मैंने कहा मैं नहीं जा रहा भाई आगे। देखो ये था जो सीन था, यहाँ पे टूट रहे थे पत्थर, यहाँ से ऊपर से टूट टूट के गिर रहे थे। अब इसको साफ सफाई करा, ये नहीं है, ये देख रहा। पत्थर लगा हुआ ऐसा देख रहा है, ऐसे भाई लंबी है लाइन, कम से कम होगा 2 किलोमीटर तक होगा लंबी लाइन है। पूरे 4 घंटे बाद पूरी आवाज का ऐसा। आओ एक, भूख लगी है भाई, 4 घंटों से हमने कुछ नहीं खाया है, 4 घंटे हो गए बैठे बैठे ट्रैफिक में। होप्स हो क्या पहुंच जाए हरिद्वार, ऐसी तैसी होगी टूर की। हम हरिद्वार उतर गए, अराउंड 15 घंटे लगे, कम से कम 15 घंटे लगे। रोड इतना खराब था, लैंडस्लाइड था, बहुत सारी चीजें, परेशान हो गए गाइस। अब यहाँ से जाना दिल्ली, पहले अपने हबीबी को हम बाय करते, हबीबी को बाय करती हम, हबीबी को, अपने हबीबी को हम बाय करती, पहले दिल्ली जाएंगे, पहले दिल्ली जाएंगे। अभी भाई को हमारे 3 दिन लगेगा कर्नाटक पहुंचने में ट्रेन से, बाय ट्रेन जा रही है। हमारे को रैंडम बंदे ऐसे मिल गए थे, पर बहुत अच्छे इंसान है भाई, एक नंबर मजा काटा इन्होंने। जाता अंदर जाके स्लीपर की टिकट कटवा लेता नहीं आप, ओके चलती 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 चलती, अरे टिकट तो दिला देती फिर चलती। देख ले तो क्या प्यार से हम इनको अभी भी बोलते हैं, क्योंकि कर्नाटक के थे, रैंडम ही मिले थे हमें, और इतने प्यारे इंसान है यार, कभी भी जाता हुआ। ये देखा देखा, मैं बोला था ना गंदा बच्चा, ऐसे ही है,
बाय। अब बच्चा लोगों के कुछ बोलना है? बच्चा लोग को कुछ नहीं बोला, वो वीडियो देखिए, वो अच्छा सपोर्ट करिए भाई को। अरे भाई सपोर्ट तब करेगा ना जब खाना नहीं खाएगा, अभी तो खाना खा रहा है। अभी तो खाना बच्चा लोग खा रहा है तो लाइक नहीं मिलेगा। बाय बाय भाई। चलो तो गाइस मैं हाईवे पे आ गया हूँ दिल्ली जाने वाले पे, और यहाँ से मैंने करी रेड बस बुक ऑनलाइन। सारे यहाँ पे आ गए हरिद्वार से, तो अभी यहाँ से निकाल लेता निकाल दे सारे। तो गाइस इसने चार्जिंग पॉइंट छोड़ दिया। तो गाइस अभी हम लक्ष्मी हॉलीडे में बैठ गए हैं। ये रहा बस का लाइट वाइट बंद कर दिया, फुल लाइट वाइट बचा रहे हैं पैसे वैसे। भाई एकदम सेटअप कर रहे हैं भाई अपना, तो हम भी अपना सेटअप कर ले। ए सी चल रहा है? नहीं चल रहा, चल रहा है फुल्लम फुल। शूज मत निकाल मेरे भाई, ये नहीं निकाल, सिस्टम पार दूंगा तेरा। फटाफट ना हम अपना सामान शिफ्ट करते हैं, क्योंकि कुछ बैग मेरा सामान इसके बैग में, इसका सामान मेरे बैग में, तो आपस में शिफ्ट करके फटाफट सोते हैं और दिल्ली में। तो गाइस 1 बज गया ऑलमोस्ट। अब मैं आया था सुबह 4:40 पर, घर पहुंच गया था और सुबह से सो रहा था। खाना आ गया है और मैं खाना खाने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया तो लाइक करना, शेयर करना। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही किसी न्यू ब्लॉग में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय।